देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पोस्टरों की राजनीति काफी हावी होती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान में किसानों पर बढ़ते कर्ज को लेकर कुछ पोस्टर लगाए थे। इन पोस्टरों में बीजेपी ने जिस किसान का चेहरा दिखाया था उसी को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के पोस्टरों में जिस किसान को दिखाया गया उसका दावा है कि उसने कोई कर्ज नहीं लिया, फिर उसका फोटो पोस्टर में कैसे आ गया? इसी को लेकर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भी किसान से मुलाकात की और उसे भरोसा दिलाया कि उसके पोस्टर सभी जगहों से जल्द हटा दिए जाएंगे। हकीकत है, देखिए बीजेपी की हकीकत है, चुनाव के शुरू में ही वो क्या कह रहा, मुझे बार बार कह रहा है सब मेरे पोस्टर हटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैं क्या बाबा लगा रहे थे, मजा आ गया, तुझे नेता बन गया है या नहीं? नहीं साहब, नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है और मेरी कुड़क हुई नहीं है, ना मैंने कोई लोन लिया है। मतलब बताइए, ये बीजेपी का चेहरा है जो अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, कि चेहरे के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये माधुराम के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे, आप समझ जाइएगा। बीजेपी का चेहरा जो है माधुराम का, वो राजस्थान भर के सामने रखेंगे। ये बीजेपी चेहरा है, माधुराम चेहरा है। धन्यवाद, थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी एक नए किसान को लेकर सबके सामने आ गई है। बीजेपी एक बार फिर दावा कर रही है कि इस किसान की जमीन कर्ज के चलते नीलाम हो चुकी है।